हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा और स्वागत है आप सभी का चलो लर्न करते हैं में। तो आज मैं वर्कशीट बताऊंगी नर्सरी क्लास के लिए या फिर वैसे बच्चे जिन्हें मम्मी घर में पढ़ा रही हैं, तैयार कर रही हैं स्कूल्स के लिए, तो वैसे बच्चे भी सीखेंगे, आपको आई होप हेल्प मिलेगी इसके लिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि हम बच्चों को रिकॉग्नाइज कराना है कि ए किधर है, बी क्या है, बी किस लेटर को कहते हैं, ए किस लेटर को कहते हैं, ये हमें बच्चों को रिकॉग्नाइज कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये देखिए, मैंने ये जो वर्कशीट तैयार की इसमें मैंने क्या किया है, ट्री बना दिया है और इसमें ए भी लिख दिया वेयर इज़ ए। ठीक है, तो अब बच्चे से बोलेंगे ए ढूंढो, वेयर इज ए से सर्कल करो। तो बच्चा क्या करेगा, ए ढूंढेगा और उसे इस तरह से सर्कल करेगा। ठीक है, अब इसी तरह मैंने क्या किया है, ये टावर बना दिया है, अब यहाँ लिख दिया वेयर इज़ बी, बी ढूंढो, बी किधर है, तो बच्चा क्या करेगा, बी ढूंढेगा। तो अगर इससे क्या होगा कि बच्चे पहचानेंगे लेटर अच्छी तरह से, बी किस लेटर को कहते हैं, ए किस लेटर को कहते हैं, इस एक्टिविटी से बच्चे अच्छे से पहचानेंगे तो वो बी को सर्कल कर देगा इस तरह से। इसी तरह इसी के साथ साथ वो सी भी पहचानेंगे। अब जितने भी लेटर हैं वो बच्चे को बोलिए कि तुम ये फाइंड आउट करो, तुम ढूंढो वेयर इज़ बी, वेयर इज़ ए, वेयर इज़ सी, इस तरह से हम बच्चों को देंगे। अब ये वर्कशीट है मैचिंग। देखिए, हमें बच्चों के लिए फर्स्ट पेज में वही रखना चाहिए जो वो पसंद करते हैं। अगर उन्हें मैच करना पसंद है तो आप मैचिंग दीजिए, अगर उन्हें सर्कल करना पसंद है तो आप उन्हें सर्कल करने दीजिए। मतलब ऐसी ही चीज़ें देनी चाहिए शुरू में, क्योंकि शुरू के वर्कशीट में, क्योंकि जो को फिर धीरे धीरे मन लगने लगता है। तो अब ये देखिए, मैचिंग मैंने क्या किया, दोनों तरफ अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं, ए तो ए, ए को ए से इस तरह मैचिंग करना है, बी बी, इस तरह से बच्चे मैचिंग करेंगे और उन्हें पहचान भी होगी कि ए क्या है, बी क्या है, सी किसे कहते हैं, डी किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी मैच करना है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया है कि ये फ़ोटोज़ दे दिए, फ़ोटोज़ मैंने बना दिए हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हमें बहुत अच्छी ड्राइंग बनानी है, बस वैसी ड्राइंग बनानी है कि जिससे बच्चे पहचान जाए। मैंने भी कोई सोच समझ कर ड्राइंग नहीं बनाई है, बस इसी तरह ड्राइंग बना दी है। ओके, तो ये एप्पल मैंने दे दिया, ये कैट दे दिया, इस तरह से बना सकते हैं, ये बॉल है, ये डक, ये एग है, ये फिश और ये है आइसक्रीम। अब बच्चे क्या करेंगे, सी फॉर कैट, सी फॉर क्या होता है बेटा पूछेंगे हम लोग, सी फॉर क्या होता है, तो सी फॉर कैट, तो बच्चा क्या करेगा, सी फॉर कैट मैच करेगा, बी फॉर बॉल, तो बी फॉर बॉल। इसी तरह मैंने देखिए ये और भी मैंने बनाया है, ये काइट है, ये जग है, देखिए जग मैंने ठीक से नहीं बनाया है, ये ग्रैप्स है, ये मैंगो, ये सन, ये वॉच, ये अम्ब्रेला, तो इस तरह से मैंने बना दिया है। इस तरह से G फॉर ग्रैप्स, M फॉर मैंगो, तो इस तरह से सारे जो है पिक्चर से लेटर्स मैच हो जाएंगे, बच्चे करेंगे। अब है लुक पिक्चर एंड सर्कलेट। ओके, जैसे ये मैंने एप्पल का फोटो बना दिया, अब बेटा क्या है बताओ, A फॉर एप्पल, तो बच्चा क्या करेगा, A में सर्कल करेगा, A फॉर एप्पल है मम्मा, तो A में सर्कल हो गया। इसी तरह डक है, तो डी फॉर डक, तो डी में सर्कल करेगा, जी फॉर क्रैप्स, तो जी में सर्कल करेगा, आई फॉर आइसक्रीम, फिर आई में हो जाएगा, सी फॉर कैट, कैट में हो जाएगा, उसी तरह ये है के फॉर काइट, तो के में हो जाएगा। इस तरह से बच्चे क्या होंगे, लेटर्स को अच्छे से पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा लेटर क्या कहलाता है। हमें नर्सरी क्लास में यही तो काम करना है। और अगर हमसे कभी अच्छी ड्राइंग ना बन पाए तो हमने बच्चे को क्या करना, पहले ही बता देना है कि बेटा ये इसकी ड्राइंग है, आपको इसे मैच करना है। नेक्स्ट सर्कल आफ्टर, देखिए इसमें क्या करना है बच्चों को, इसमें बोलना है कि बेटा ए के बाद क्या पढ़ते हो, ए बी, बी पढ़े ना, तो चलो बी क्या हो गया, आफ्टर हो गया, इस तरह से हम बच्चों को समझाएंगे। तो ए के बाद वो बी को क्या करेगा, उसे लिखना नहीं है, अब बस हमें उन्हें रिकॉग्नाइज कराना है हर लेटर्स को, पहले यही कराना है हमें। तो ए के बाद क्या होता है, बी, तो फिर वो बी को सर्कल करेगा। ठीक है,
सी बेटा पढ़ो तो ए बी सी, फिर क्या आया तो डी। बच्चे एक बार नहीं सीखेंगे, दूसरी बार सीखेंगे, तीसरी बार सीखेंगे, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सीखेंगे। फिर इसी तरह डी के बाद क्या आया तो ई। तो इस तरह से बच्चा क्या है सर्कल करता जाएगा। बच्चे को आप समझाइए, बच्चे एक बार में नहीं तो दूसरी बार में तीसरी बार में ज़रूर समझ जाएंगे, धीरे धीरे करते ही समझेंगे वो। अब देखिए अब क्या है, जब बच्चे धीरे धीरे सब लिखने लगते हैं तब उन्हें क्या करना है, बच्चे को लिखने के लिए देना है बेटा ये क्या एप्पल, तो तुम इसे ए लिख दो। तो बच्चा इस तरह से कलरफुल, हमें कलरफुल भी रखना है अपने वर्कशीट्स को, जिससे बच्चा अच्छे से सीखे। हाँ, क्योंकि कलर देखते तो बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, तो इसलिए कलर ज़रूर ऐड करें अपने वर्कशीट में। डेली दें उन्हें करने के लिए ये सब चीज़ें, डेली दें। जब भी आप फ्री हों आप वर्कशीट तैयार करें। और अगर बच्चा पेंसिल से भी करने के लिए तैयार हो जाता, मतलब जैसे आपने पेंसिल से वर्कशीट तैयार किया, पेंसिल से ही सारा कुछ किया या फिर पेन से किया, ठीक है, उन्हें पेंसिल से ही मिलाना होगा, मैचिंग करना चाहे सर्कल करना जो भी करना होगा, तो अगर उससे भी वो खुशी खुशी तैयार हो जाता है तो आप वही करें, कलर से ना करें वर्कशीट तैयार आप, क्योंकि डेली डेली कलर करना भी अजीब सा लगता है कि कलर उठा रहे हैं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका बच्चा पेंसिल से खुश नहीं होता है, आप कलर देखते हैं तो बच्चे ज़्यादा ही उत्साहित हो जाते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं वो ये सब करने के लिए, तो फिर आप उन्हें कलर से ही दें, कभी कलर से कभी पेंसिल से, इस तरह से दे दिया तो इस तरह से बच्चे अच्छे से धीरे धीरे सीखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें मज़ा आता है करने में, उन्हें पेंसिल कलर बहुत पसंद आता है, कलर्स वगैरह। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो यहीं तक था, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए ये LKG UKG मतलब उन्हें भी दे सकते हैं इस तरह से। ओके, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा पसंद आया होगा तो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जो कि रेड कलर में नीचे बटन है उसे प्रेस करना है, और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। मैं बच्चों के लिए ऐसी ही वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। ओके ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।